नहीं कुआ को कहा कुआ है ननन। हाँ मम्मी। अरे कुछ नहीं किचन में थी। अरे वो सास की तबीयत खराब है ना। हाँ वैसे तो काम करने के टाइम हाथों पैरों में जान नहीं है, सत्या नहीं है, और अभी बाहर बैठ के पंचायती करने कह दो तो फिर देखो कि क्या तगड़म तगड़म भागती। हाँ मम्मी। नहीं कुआ को कहा कुआ है ननन। अच्छा आपको सास आ गई का। मम्मी मम्मी पूछ रही है आपकी तबीयत के बारे में। अरे इतना कमजोरी है, चलत फिरत नहीं बनाता है। नहीं मम्मी काम वाम कुछ है नहीं घर में। नहीं मम्मी है, थोड़ा मोड़ा हाथ बटवा देती और दीदी है। नहीं मम्मी बेटी की तरह रखते हैं सब। नहीं कुछ नहीं करना पड़ता। मम्मी के लिए मैं जूस निकाल दूँ। बुढ़ापे में तो वैसे ही कमजोरी रखे हैं। अभी मैं जूस वूस पिया को कहा मतलब। फिर थोड़ी देर बात करती हूँ आपसे। कहा कह रही थी मम्मी, कह रही थी कि थोड़ा खाते पीते जाया करो, ध्यान रखो अपना। हाँ मम्मी अब बताओ। अरे कुछ नहीं मम्मी, मूंग की दाल बन गई है। पापा का पेट खराब था और मम्मी की वैसी तबीयत खराब थी तो उनके लिए लौकी बना दिया है। अरे कुछ नहीं, कमजोर सी लग रही थोड़ी। काय को मदद नहीं करवाऊता है का। अरे यार मम्मी करवाना तो कहा नहीं चाहिए, लेकिन जैसे ही खाना नाश्ता के टाइम होगा ना सब जाके बिल में घुस जाएंगे, जाके टीवी देखने लगे, और जैसे ही खाना बना खुशबू आई कि बिल से फिर बाहर खाने के लिए। अरे मम्मी अब रहने दो, अब सबकी किस्मत है। पता भाव गुप्ता जी की मॉडी जानती। अरे वो तुमसे जो चार क्लास आगे आती हो शादी है वो की है। वो तो पहले करी थी, मैं करनी नहीं है। सही है, पहले लेवन में रह लो फिर शादी कर लो। है लेवन में मतलब उस शादी से पहले जॉन संगे रहो जा। आये जो नहीं पता मोहल्ला भर के को नहीं पता हुआ है। है तुम्हारी सास के कहाँ पहुँचा दें। अरे यार मम्मी क्यों भेजना है एक बार बताओ। मम्मी सही बताए ना, तुम्हें बिगाड़े हो यार इन लोगों को दे देख के। क्यों देना यार, अब होगा यार इतने साल शादी के। अरे नहीं ना कोई जरूरत नहीं है मम्मी। हाँ ऐसे कैसे तुम्हारे कहा ऐसे। अरे कछु तो भिजवानी पड़े। अरे यार मम्मी तुम्हें समझ नहीं आता का। दे देना यार ठीक है, पर सबके बदले का मुझे दे देना ठीक है। कम से कम तुम्हारी बिटिया के काम आएगा है। आई काय की बिटिया ना भेजे तो तुम्हारी सास को तुरंत मुंह बन जाए हैं, और सुनाऊ लगे कि फलाने की बहू को तो एक तो आओ तो ढिमाके की बहू को तो एक तो आओ तो पहचान दो का होगा वो। हाँ ठीक है मम्मी बाय। कहा कह रही थी मम्मी। नहीं मम्मी जी कुछ नहीं कह रही थी, कछु कह तो रही थी होली धोती। अच्छा वो हाँ मम्मी जी साड़ी के लिए बोल रही थी, तो मैंने कहा ऐसे कैसे मम्मी जी कोई भी पसंद कर लेगी। मैंने कहा मैं खुद जाके मम्मी जी के लिए पसंद करके लाऊंगी। जब आपको ठीक लगे चलिएगा।